नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर, और वो भी ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज़ जो हम पिछले 3 एपिसोड से आपको दिखाते आ रहे हैं, इंजन टेक्नोलॉजी, क्लच टेक्नोलॉजी और गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी। आज का जो एपिसोड है हम आपको दर्शाने वाले हैं स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, और आने वाले समय के अंदर हम आपको हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी देंगे, रिडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में देंगे और आखिर में PTO टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक एपिसोड आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत मुख्य रोल प्ले करता है पूरे ट्रैक्टर के अंदर। अगर आप ट्रैक्टर खेत में चलाना चाहेंगे या रोड पर चलाना चाहेंगे तो स्टीयरिंग का टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहेंगे ट्रैक्टर के अंदर स्टीयरिंग क्लासिफिकेशन, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, मैकेनिकल स्टीयरिंग होता है या तो पावर स्टीयरिंग होता है। जैसे आपको मालूम है मैकेनिकल स्टीयरिंग के अंदर पहले आता था DDA, मतलब डबल ड्रॉप आर्म स्टीयरिंग। ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है, स्टीयरिंग कॉलम से 2 ड्रॉप आर्म आते हैं और 2 डंडे होते हैं, लेफ्ट व्हील और राइट व्हील, दोनों व्हील को टर्न करने में मददगार होता है, इसलिए इसको डबल ड्रॉप आर्म कहा जाता है। डबल ड्रॉप आर्म में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी उसकी सेटिंग होती है फ्री प्ले की, दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही सटीक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी गैप आई तो शायद वॉबलिंग हो सकता है या टायर वियर का इशू आ सकता है। उसी आधार पर नया टेक्नोलॉजी से आया ये SDA, सिंगल ड्रॉप आर्म, माने स्टीयरिंग कॉलम से एक ही ड्रॉप आर्म आता है और एक दंडा आता है जो एक व्हील को पुल या पुश करता है, और उसके अतिरिक्त एक और रॉड दूसरा पहिए को पुल या पुश करता है। इसका फायदा यह है कि किसान एक ही हाथ से पूरी ट्रैक्टर को आसानी से घुमा सकता है, इसलिए फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में जहां ये SDA आता है हम इसको बोलते हैं इजी स्टीयर। और अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें, एक ही तरफ आती है इसकी फ्री प्ले की एडजस्टमेंट, तो इसमें ज्यादा टायर वियर की दिक्कतें नहीं आती है। उसी तरह अगर आप पावर स्टीयरिंग के बारे में जानना चाहेंगे, पावर स्टीयरिंग के अंदर जो पहला आता है नॉर्मल पावर स्टीयरिंग, मतलब एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है और एक हाइड्रोलिक पंप होता है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर से ये स्टीयरिंग को घुमाता है। मगर नॉर्मल पावर स्टीयरिंग के अंदर होता क्या है, एक सिलेंडर और एक तरफ एक्चुएटिंग होता है। मगर वही चीज़ अगर आप आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानना चाहोगे तो उसका नाम है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। इसमें भी सिलेंडर होता है मगर दोनों तरफ से एक्चुएटिंग होता है, लेफ्ट और राइट। जब भी आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो दोनों तरफ से एक्चुएटिंग होती है, इसमें लिंकेजेस कम होते हैं तो स्टीयरिंग आसानी से घूम जाता है। बोलने का मतलब, किसान अगर ट्रैक्टर खेत में चला रहा है तो एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को घुमा सकता है, उतना आरामदायक होता है ये बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। और जो तीसरा है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ये अक्सर कारों में और बड़े ट्रकों में उपलब्ध है और धीरे धीरे कुछ ट्रैक्टरों में ये आ चुका है। इसके अंदर हाइड्रोलिक का कुछ काम नहीं होता है, ये बिजली से मोटर चलाता है और ट्रैक्टर को घुमाता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ट्रैक्टर के लैब के अंदर ले चलूंगा, वहां ये मैकेनिकल स्टीयरिंग और ये पावर स्टीयरिंग के सारे कट सेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं इसको बोलते हैं DDA, डबल ड्रॉप आर्म मैकेनिकल स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग व्हील है, जब मैं स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट करता हूं तो ये जो ड्रॉप आर्म आप देख रहे हो, दोनों तरफ से ड्रॉप आर्म इसमें उपलब्ध है, तो दोनों तरफ से लेफ्ट व्हील ये ऑपरेट करेगा, राइट व्हील ये ऑपरेट करेगा। अभी देखिए, जब मैं ये इसको ऑपरेट कर रहा हूं, राइट घूम रहा हूं, तो राइट इसको जब घुमाता हूं तो दोनों ही ड्रॉप आर्म ऑपरेट होते हैं और स्टीयरिंग व्हील घूमती है, और जो मैं लेफ्ट घुमाऊंगा तो फिर ये दोनों ही ड्रॉप आर्म ऑपरेट होते हैं और लेफ्ट में घूमते हैं। तो ये डबल ड्रॉप आर्म टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, फार्म ट्रैक पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में अभी ये नहीं आता है। हमने अभी सिंगल ड्रॉप आर्म वाला दे दिया, जो एक ही ड्रॉप आर्म होता है, जो मोड़ काटने में बहुत आरामदायक होता है और एक ही हाथ से आप पूरी ट्रैक्टर को मोड़ ले सकते हो। अभी जो हम देख रहे हैं ये सिंगल ड्रॉप आर्म मैकेनिकल स्टीयरिंग है, तो इसके अंदर जैसे ड्रॉप आर्म एक ही है और इसके लिंकेजेस भी कम है तो फ्रिक्शन कम होगा, एफर्ट कम होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि किसान को ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा ट्रैक्टर को घुमाते समय। इसको इजी स्टीयरिंग के नाम से भी बोला जाता है। पावर स्टीयरिंग का व्हील सिलेंडर है,
एक ही तरफ इसकी एक्टिवेटिंग रॉड होती है और दूसरी तरफ इसके लिंकेजेस होते हैं। एक तरफ से ये हाइड्रोलिक एक्टिवेटिंग होता है और दूसरी तरफ से जो रॉड होती है दूसरे पहिए को खींचते हैं या दबाते हैं। ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं डबल साइड एक्चुएटिंग या BPS, बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। दोनों तरफ से एक्चुएटिंग इसकी होती है, रॉड होते हैं और राइट वाला व्हील ऑपरेट करता है, तो ये लेफ्ट वाला व्हील ऑपरेट करता है। तो इसमें लिंकेजेस कम होते हैं तो फ्रिक्शनल लॉसेस कम होता है और ट्रैक्टर को मोड़ने में बहुत कम मेहनत लगानी पड़ती है। तो किसान को इसका फायदा ये है कि कम मेहनत लगाएगा ट्रैक्टर को ऑपरेट करने में खेत में, तो ज्यादा ट्रैक्टर चलाएगा तो ज्यादा खेत कवर करेगा और ज्यादा कमाएगा। दोस्तों, पावर स्टीयरिंग माने किसान अक्सर डर जाता है, इसके अंदर मेंटेनेंस ज्यादा होता है और इसको मेंटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक ट्रैक्टरों में लेके आते हैं सेपरेट ऑयल टैंक। और इसका फायदा क्या है, आइए ट्रैक्टर के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं, वहीं दिखाते हैं इसके फायदे क्या है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर स्टीयरिंग आती है वो है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, मतलब ये जो उंगली में हिला रहा हूँ दोनों तरफ से पावर स्टीयरिंग की एक्टिवेटिंग होगी। इससे इसके नीचे जो सारे जो आपके लिंकेजेस है वो हट गए हैं और सिंपल सा पावर स्टीयरिंग है, वो एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर कटेगी। इसको और मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने सेपरेट ऑयल टैंक दिए हैं पावर स्टीयरिंग के लिए। 2.5 लीटर तेल इसमें लगता है। जब आप पावर स्टीयरिंग काम करते हो तो इसमें जो तेल लगता है वो तेल इस टंकी से ही जाता है। इसका फायदा कि ये शुद्ध तेल ही पावर स्टीयरिंग के अंदर घूमेगा तो आपकी पावर स्टीयरिंग लंबी उम्र तक मेंटेनेंस फ्री रहेगी। अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है, वो या तो गियरबॉक्स का तेल या हाइड्रोलिक का तेल इस्तेमाल करते हैं जिससे उसमें जो गंदगी है वो आपके पावर स्टीयरिंग मोटर या पावर स्टीयरिंग सिलेंडर में आता है तो मेंटेनेंस आ सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी इस ट्रैक्टर में देखी गई है ताकि ये एडवांस भी रहे और मेंटेनेंस में सबसे कम रहे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए पंप होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से आपको पंप के अंदर दो प्रकार के पंप आते हैं, एक आता है टैंडम पंप और एक आता है आपका सेपरेट पंप। ये दोनों पंप कैसे चलते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। जो आपके सामने जो कट सेक्शन दिखाया गया है इसको बोलते हैं टैंडम पंप। ये इंजन पर माउंटेड होता है लाइव हाइड्रोलिक्स के अंदर। जो इस तरफ देख रहे हो ये बड़ा सा गियर पंप है, इसको 18 cc बोलते हैं, और ये छोटा वाला गियर पंप है इसको बोलते हैं 11 cc। ये इस्तेमाल होता है पावर स्टीयरिंग के लिए, ये इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स ऑपरेट करने के लिए, थ्री लिंकेजेस हो गए या आपका QRC कपलर हो गया, तो ये पंप इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक ही शाफ्ट पे दोनों पंप चलते हैं, अलग से फिर से दूसरा गियर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगली बात करूँ तो वो है सेपरेट पंप फॉर हाइड्रोलिक एंड पावर स्टीयरिंग। हमने इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग व हाइड्रोलिक के लिए अलग अलग पंप दिया है। अगर एक पंप में आपको कोई मेंटेनेंस आती है तो आपको एक टाइम पे एक ही पंप चेंज करना पड़ेगा, जो कि इसके सर्विस व मेंटेनेंस के खर्चे को कम करता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी है क्या और इसमें प्रकार कितने हैं और आपके ट्रैक्टर के लिए कौन सा स्टीयरिंग सटीक है या फायदेमंद है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले एपिसोड के अंदर और भी बहुत सारे ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं। और हाँ, आपके जो भी सवाल है या कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसी के साथ बीच में हम एक सवाल जवाब का एपिसोड भी हर हफ्ते रिलीज कर रहे हैं ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।